यूपी ఎన్నికల ప్రచారంలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ ద్వారా చూద్దాం लेकिन कभी कंडला के गैस को भी याद करिए, कंडला के गैस को भी याद करिए जो उत्तर प्रदेश के जीवन को बदलने वाला है, जी ऊर्जा को देने वाला है, ये विकास की हमारी दिशा है। भाइयों बहनों, जो मां लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी, उस मां को आज हमने सामने से घर घर जाकर के गैस का सिलेंडर, गैस का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। 3 साल में 5 करोड़ परिवारों को गैस पहुंचाना है। अकेले उत्तर प्रदेश में लाखों की तादाद में परिवारों को घर घर गैस पहुंचाने का काम चल रहा है और आने वाले दिनों में भी ये काम तेजी से आगे बढ़ेगा। जो परिवार बाकी है उनको भी पहुंच जाएगा। काम ऐसे होता है। ये सरकार गरीब के लिए है, ये सरकार गरीब युवकों के लिए है, ये सरकार गरीब बच्चों के लिए है, ये सरकार गरीब बुजुर्गों के लिए है। और इसलिए हम कहते हैं हमारा विकास का सूत्र साफ है, किसान के लिए सिंचाई, युवान के लिए कमाई, बच्चों के लिए पढ़ाई और बुजुर्गों के लिए दवाई। ये मंत्र लेकर के हम सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज बीमारी बड़ी महंगी है। परिवार में एकाध व्यक्ति अगर हृदय रोग की बीमारी हो जाए, डायबिटीज हो जाए, कैंसर हो जाए, तो सब पूरा परिवार कर्जदार हो जाता है। घर बेचना पड़ता है, खेत बेचना पड़ता है उसको बीमारी की दवाई करने के लिए। बाद में वो बचेगा कि नहीं बचेगा गारंटी नहीं है। इतनी महंगी दवाइयां बेचते थे। आपने मुझे प्रधानमंत्री बनाया तो मैंने दवाई बनाने वालों को बुलाया। मैंने कहा आओ भाई जरा, और फिर मैंने उनको पूछा क्या क्या अंडर डालते हो, कितना खर्चा होता है, फैक्ट्री का कितना खर्चा है, पगार में कितना जाता है, किराया सब बताओ। साल भर पूछता रहा, बताते ही नहीं थे, पूछता रहा, निकालता रहा। आखिरकार मैंने 800 दवाइयां जो लोगों के जीवन के लिए जरूरी थी, गंभीर बीमारियों में जरूरी थी, 800 दवाइयों की कीमत मैंने कम कर दी। 800 दवाइयां, और कितनी कम की है। एक दवाई तो ऐसी थी जिसको महीने में एक बार गोली लेनी पड़ती थी, गोली की कीमत थी 30,000 रुपया। एक गोली 30,000 रुपया में गरीब कहां से खाएगा? क्या गरीब को ऐसे मरने दिया जाएगा? मां ने उन सारे दवाई बनाने वालों को कहा कि जो 30,000 में गोली बिकती है वो 3,000 में बिकनी चाहिए। जो गोली 80 रुपए में बिकती है वो 7 रुपए में बिकनी चाहिए। जो 200 रुपए में गोली बिकती है वो 12 रुपए में बिकनी चाहिए। 800 दवाइयों का भाव कम कर दिया भाई। बाद में आपने देखा होगा हार्ट अटैक